गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहे। मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ को यह सोचना चाहिए कि पार्टी उनके कार्यकाल में इतनी प्रभावित कैसे हो गई। पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए नरोत्तम ने कहा कि उनके कार्यों को देखते हुए नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर किए ट्वीट को लेकर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह नेता है, कांग्रेस में नेता के सिवाय कुछ बचा नहीं है। उनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं कि वे आंदोलन करेंगे, इसीलिए वे ये कर रहे हैं। पूर्व सीएम के झंडा फहराने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो नहीं कर सकते वैसी बातें कमलनाथ करते क्यों हैं? उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बातों पर भी अमल नहीं किया। कमलनाथ को चाहिए कि उनके समय में पार्टी इतनी क्यों प्रभावित हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा होता अगर वे अपने पार्टी के विधायकों के लिए कुछ कहते, पार्टी जोड़े रखने की बात करते। बस और वो क्या करेंगे अभी, और आप लोग स्थान दोगे तो यही करेंगे। जन आंदोलन करने की स्थिति तो कांग्रेस की है नहीं ना, कार्यकर्ता तो बचे ही नहीं है, नेता नेता है, यही कर सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं, मैं इतने वरिष्ठ हैं कोई ये तो कह नहीं सकता कि खींच मिटाने वाली बात है। कहा तो उनने ये था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, अब नहीं कर पाए तो ये संबोधन, पता नहीं। कहा तो ये भी था कि विधायक दल की अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ऐसी बातें करते क्यों हैं जिनका वो अनुसरण नहीं कर पाए, पर आदत में है। घोषणा पत्र की जब एक ही बात उनने अमल में नहीं ली तो सोच रहे हैं ऐसे बोल बोल के कांग्रेस को तो थामे रहनी भगदड़ हो जाएगी। अच्छा होता कि ये संबोधन वो अपने विधायकों को करते, पार्टी की एकता को करते, अपने कार्यकर्ताओं को करते। कार्य और पार्टी इतनी ज्यादा उनके कार्यकाल में प्रभावित कैसे हो गई, इसलिए कर देते। नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से कार्यकाल पूरा किया है। भाजपा ने जो कहा था वो किया, चाहे वे 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर की। पीएम मोदी का नाम इतिहास में उनके कार्यों को लेकर दर्ज होगा। नरोत्तम ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा, ये नाम आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वास्तव में हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। कहावत है अपने यहाँ के, कोई तो चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर हम तो कम से कम जब से राजनीति में आए और उससे पहले भी यही सुनते रहे कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। और अभी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात आप कर रहे हो, आगे आगे देखिए कितना कार्यकाल उनका चलता है और देश को कहां से कहां ले जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।